बच्चे का जन्म हुआ, पहले से ही सबने चिंकू मिंकू टिंकू नाम सोच लिया है, कोई नाम रख देना है और रखने के बाद घर लाना है, ना कोई मुहूर्त देखना ना कोई विचार करना, जब पाए तो डबल रोटी पाव रोटी खिलाकर उसका अन्न प्राशन कर दिया। और उसके बाद अब बच्चे को जनेऊ तो छोड़ो, मुंडन तो अभी कहीं कहीं हो जाता है, बहुत जगह होता है मुंडन तो अभी जीवित है, ये परंपरा जीवित है, पर कर्ण भेद क्या होता है ये जानते नहीं। अगर कहीं कान छेद गया तो कहेंगे का हो मेहरारू जैसे कान छदवा लिए हो, हाँ साहब ये संस्कार है कर्ण भेद। वरना आपके घर पर जब आपके बच्चे का जनेऊ हो रहा हो उस समय जब पंडित जी कुशा की लकड़ी लेकर के कान से स्पर्श कराते हैं तो पूछिए पंडित जी से, पंडित जी ये कान में स्पर्श क्यों कराया, तो पंडित जी बताएंगे ये प्रक्रिया तो कान छेदने की है लेकिन अब कान इनका छेदा हुआ नहीं है, इस प्रक्रिया में स्वर्ण धारण करना चाहिए, अब सोना नहीं है, तो जैसे सोना उंगली में ना हो तो कुश की पहती चलती है, वैसे कान में ना हो तो कुश की लकड़ी चलती है, छुआ दिया हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। तो अब यज्ञोपवीत होने के बाद वेदारंभ, वेदारंभ के बाद समावर्तन, समावर्तन के बाद फिर क्या होता है, चूज करना होता है, निर्णय लेना होता है आपको कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो। अब आपने ये निर्णय लिया, जनेऊ पहना और वेद पढ़ा, वेद पढ़ने के बाद फिर ये निर्णय लिया कि मैं वेदा वेद के ही क्षेत्र में रहूंगा, पढ़ाऊंगा, पठन पाठन करूंगा और यज्ञादि कर्म कराऊंगा, दीक्षा का दान दूंगा, दक्षिणा का दान लूंगा, ये ऐसा संकल्प लिया। तो महाराज उसके बाद फिर क्या है, आपके जीवन से सुरा असुरा मध्य मदिरा झूठ मिथ्या आदि ये सब का स्थान समाप्त हो जाता है, ये सब आपको नहीं करना। अगर ये सब आपने करा तो आपका ब्रह्म तत्व का नाश करा है आपने, और जो अपने ही हाथों से अपने ब्रह्म तत्व का नाश करे यानी ब्राह्मण कर्म अपनाने के बाद जुआ खेले वेश्यागमन करे तो ऐसे व्यक्ति की प्रेत योनि से कभी मुक्ति नहीं होती। कोई क्षत्रिय है, उसने जिम्मेदारी ली कि मैं सबकी सुरक्षा करूंगा, और महाराज उसने सुरक्षा के बदले किसी से समझौता करके आपकी हत्या करवा दी तो क्या हो गया, वो अपने ब्रह्म तत्व का नाश किया, ऐसे भी व्यक्ति की मुक्ति निषिद्ध है, नहीं हो सकती। कोई व्यापारी है, उसने सोचा मैं सबके जरूरत की सामग्री पहुंचाऊंगा, लेकिन अब वो व्यापारी क्या करे, सारी सामग्रियां खरीद कर बाजार से डंप कर ले अपने उसमें गोदाम में, और जब सारी सामग्री की शॉर्टेज हो जाए तब धीरे धीरे करके बेचना करे, अरे भाई अब सामान तो मिल ही नहीं रहा है बाजार में, अब बड़ी मुश्किल से मिला है, इतना ना इतना रुपया लागी, हाँ यह भी धोखा है। उसने क्या किया, अपने वैश्य धर्म का यानी जो उसने वैश्य ब्रह्म का निर्माण किया था, अपने उस वैश्य ब्रह्म तत्व का नाश कर लिया, और ऐसे भी व्यक्ति की प्रेत योनि से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। और महाराज जो दास है, अगर उसने अपने दास धर्म से गद्दारी की, उससे विमुक्ता की, तो महाराज उसने भी अपने ब्रह्म तत्व का नाश किया है। अपने स्वामी की सेवा में अगर तनिक भी कमी रखी, अपने स्वामी की सेवा के बजाय अपने स्वामी के रोगी होने की प्रतीक्षा करे, अपने स्वामी का अशुभ विचार करे, तो उसका भी ब्रह्म तत्व नाश होता है और उसकी भी मुक्ति निषिद्ध है, हो नहीं सकती। तो धुंधकारी ने क्या कहा, मैं